गुणा में क्या होता है, जो ये चिन्ह जो आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं, प्लस प्लस अगर दो संख्याएं प्लस की हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर एक संख्या प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है गुणा में। और अगर एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं गुणा में तो गुणा में बाद में संख्या क्या आएगी, प्लस की आएगी। अगर माइनस का तीन है माइनस का दो है तो दो तीन छह और चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है। लेकिन और जोड़ घटाओ में क्या होता है, ठीक जोड़ घटाओ में क्या होता है, इसमें क्या होता है प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। लेकिन अब इसमें क्या है जिसे समझाते हैं, जैसे प्लस का तीन है, प्लस का तीन है और प्लस का दो है, ठीक है प्लस का तीन है और प्लस का दो है तो क्या होगा, जोड़ होगा, ठीक है इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। अगर प्लस का तीन है और प्लस का दो है तो क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, मतलब ये जुड़े जुड़े, ठीक है तीन और दो क्या हो जाएगा पांच। लेकिन ये और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह जो आएगा कौन सा, बड़ी संख्या के सामने का, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये तीन है, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है बड़ी संख्या के सामने का। बड़ी संख्या के सामने का आप जैसे ये प्लस का तीन है और माइनस का दो है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस मतलब घटाव होगा, तो तीन में से दो जाएगा तो कितना आएगा एक, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है बड़ी संख्या के सामने का, तो चिन्ह यहां कौन सा आएगा प्लस का, ठीक है। ऐसी करके अगर माइनस का तीन है, माइनस का तीन है और प्लस का दो है, माइनस का तीन है प्लस का दो है तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस मतलब घटा हुआ, तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा, और चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या के सामने का, चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है। ऐसी अगर है माइनस का तीन है और माइनस का दो है तो और चिन्ह यहां पर कौन सा जाएगा माइनस, ठीक प्लस प्लस माइनस माइनस और ये चिन्ह कौन सा आ जाएगा माइनस, बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या के सामने का। और ऐसी करके अगर माइनस का तीन है और माइनस का दो है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब इसका जुड़ जाएंगी संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो माइनस का तीन और माइनस का दो, तीन और दो कितने हो गया पांच हो गया, ठीक है तीन और दो कितना हो गया पांच हो गया, और चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है चिन्ह कौन सा आ जाएगा बड़ी संख्या के
सामने का, चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या के सामने का। ठीक है दोस्तों।